पिलामने लास्ट वीडियो रे आमे पढ़ी वाणिज्य नीति इंग्रेज मानकर वाणिज्य नीति तार प्रभाव आज पढ़ा वित्त निष्कासन जोटा कि प्लस टू द्वितीय वर्ष इतिहास यूनिट फोर रो रिवाइज सिलेबस अनुजाई जो वित्त निष्कासन ताऊपर पढ़ा आम देखिए वित्त निष्कासन कौन तो वित्त निष्कासन वित्त माने कौन ना वित्त माने संपत्ति तेणु ये देख डेफिनेशन कौन ना भारत रु इंग्लैंड को अविरत वित्त प्रवाह फलर वित्त माने संपत्ति संपत्ति प्रवाह फलर भारत जो विपुल परिमाणर आर्थिक वाणिज्यिक वैषयिक लाभरु वंचित होला आ से लाभ किए नहीं कि चली गला से लाभ इंग्लैंड नहीं कि चली गला इंग्रेज मैंने नहीं कि चली गले से ही प्रक्रिया को भारतर जातीय नेतृवृंद अर्थनैतिक मैंने भारतरु वित्त निष्कासन वर्णना करते तो भारतरु वित्त निष्कासन मान भारतरु संपत्ति चली गला आ फेरिला ना भारतरु संपत्ति किए नहीं कि चली गला इंग्रेज मैंने भारतरु इंग्लैंड को लेकिन चलीगले वित्त निष्कासन माने पूरा निष्कासन नीति अनुसार ब्रिटेन भारत रु नहीं सामग्री प्रतिबदल भारत को कौन से आर्थिक व भौतिक पाउना देउ नथिला भारत किछि पाउ नथिला कोनोसे लाभ पाउ नथिला इंग्रेज मानंक द्वारा केवल इंग्रेज माने याकु नौथिले संपत्ति को नहीं इंग्लैंड रे ठुलो करथिले इंग्लैंड को धनी करथिले भारत को कांगाल कर देले तापर देखबा पिला माने कोन ना वित्त निष्कासन रो स्वरूप अरे वित्त निष्कासन स्वरूप माने वित्त निष्कासन कोन केमितिया वित्त निष्कासन प्रथमे इंग्रेज माने विदेशी होइ रहले देखो इंग्रेज माने विदेशी होइ रहितले सेतिपई से माने वित्त बारंबार वा संपत्ति बारंबार भारत निष्कासन करी से माने इंग्लैंड नै जाउतले आगुरु कोन शासक माने थिले जेंति मुगल शासक माने पूर्वरु मुगल शासक माने जो थिले से माने कोन ना राजस्व को देश भितर खर्च करुले राजस्व को केमती खर्च करुले केनाल निर्माण रास्ता निर्माण राजप्रसाद मंदिर मस्जिद युद्ध अभियान व्यक्तिगत जीवन विलास व्यसन शिल्प वाणिज्य खर्च करुले तेणु किंतु इंग्रेज माने एभलिया खर्च कले ना कहीं से माने भारत आसवाटर छाड़िया पर्यंत विदेशी हो रहीगले किंतु मुगल माने भारत स्थायी बासिंदा हो रहीगले तो जो माने स्थायी बासिंदा हो रहे से माने सिना करिया पाई किछि चाहिबे किंतु इंग्रेज माने भारत आसवाटर छाड़िया पर्यंत विदेशी होइकी रहीतिले तेणु वित्त निष्कासन कले तापर देखिबा विभिन्न आदाय टिकस मान भारत खर्च नकरी तांक देश रे खर्च कले देख भारत खर्च नकरी तांक देश रे खर्च कले माने कौन ना कौन भी टिकस आदाय कले कौन खजना आदाय कले कौन कर आदाय कले भारत कौन खर्च कले ना से कौटी खर्च कले देश खर्च कले अरे भारत सरकार 1757 ठारू 1858 मसीहा पर्यंत किए थी ना कंपनी हाथ में भारत सरकार क्या हाथ को गला इंग्लैंड सरकार हाथ को गला तेणु जो इंग्लैंड सरकार हो कि कंपनी सरकार हो तेणु से माने कौन कले ना जो टिकस आदाय करी निज माने देश को नहीं गले सेठी खर्च कले भारत रे किछि खर्च कले ना एटा भी गोटे स्वरूप तापर देखिबा पिला माने कौन अच्छी ना संपत्ति तांको देश को बोही नेले से माने संपत्ति को कौन कले ना तांको देश को बोही नेले देखिछु पिला माने 1758 रु 1765 मसीहा मध्य इंग्रेज मैंने भारत रु प्राय 60 लाख पाउंड रो संपत्ति देश को बोही नहीं चलते यहीटा तो कहले ऑफिशियल रिकॉर्ड किंतु केते धन जे बोही नहीं चंती तार कलना ना यही बंगलार नवाब 1765 मसीहा जो आदाय कर मोट जमी खजणार प्राय 4 गुण थिला या जो कलेक्शन करते 1758 रु 1765 मसीहा मध्य तो भाई पार्च से माने कौन ना जेते बेले भी इंग्लैंड जाऊथले से माने निज गंठली रे से माने बही नौथले संपत्ति को तापर देखिबा पिला माने कौन ना आउ गोटे स्वरूप होची ब्रिटेन रे पूंजी निवेश से माने कौन करथले ए पूंजी को एटी कलेक्शन करथले अर्थ को एटी ठुलो करी से माने कौन करथले ब्रिटेन रे बा इंग्लैंड रे पूंजी निवेश करथले पूंजी निवेश करिया माने कौन अर्थ निवेश करिया अर्थ कोठी निवेश करथले से माने कौन करथले ना भारत रु बाजार रु भारत बाजार रु सस्ता दर रे सस्ता दाम रे
प्रचुर सामग्री किणिनेकरी सेमाने कौन करथिले ना से सामग्री गुड़ को ब्रिटेन को रप्तानी करुथिले से ब्रिटेन को रप्तानी करुथिले एइबेली बाबरे पूंजी को निवेश करुथिले जे पूंजी को बारंबार निवेश करले कौन हबो जणे लाभरु लाभरु लाभतर हबो तेरो पूंजी निवेश बारंबार करुथिले कोटे ना ब्रिटेन रे आ 1765 रु 1770 मसिया मध्ये रे कंपनी प्राय 40 लाख पाउंड मूल्य रा सामग्री बा बंगला रा प्राय 33% आय इंग्लैंड को निष्कासन करिने बारे सक्षम होइतला बोली कोआ जाय तापर देखियो पिला माने कौन ना आमदानी तुलना रे क्रमबदिष्णु रप्तानी तो आमदानी तुलना रे क्रमबदिष्णु रप्तानी तेणु आमदानी जेती कहतला बहुत बड़ी गला रप्तानी कौन कौन रप्तानी ना कंचा माल रप्तानी कला कोटी को ना ब्रिटेन को भारत रु कंचा माल कम दाम रे किणी रप्तानी कला ब्रिटेन को ता पति बदल रे भारत को किछि मिलु नथिला लॉर्ड एलेनबरो जे कि परवर्ती मुहूर्त रे भारत रो बडला ठेले से लॉर्ड एलेनबरो को मत रे भारत वार्षिक 20-30 लाख पाउंड स्टर्लिंग यही देश को बा ब्रिटेन को दे थाए माने कौन दे थाए माने कौन जार प्रतिदान रे ताको किछि सामरिक सामग्री व्यतीत किछि मिले ना सामरिक सामग्री कार दरकार इंग्लैंड दरकार इंग्रेज मान दरकार कौन पाई ना विद्रोह दमन करने भारतीय मान जो विद्रोह होती दमन करने तेणु भारतीय मान भारत में जो युद्ध जितना तेणु से आम दरकार ना तेणु देख पे यहाँ हूँ स्वरूप तापर देखा यह किपर भाव में घटूला ये वित्त निष्कासन किपर भाव में घटूला प्रथमतः भारत प्रचुर परिमाण रे ये उत्पादित होता कपा आखु सब कंचामाल तैलबीज छोट लुहापथर नील एगुड़ा सब कंचामाल कौन करते ना ब्रिटेन जो शिल्प आरंभ हो शिल्परे से लगे तेणु कम दाम भारत किणी नहीं ब्रिटिश कौन कला कौन करूला ना जलजहाजे भी कम दाम जलजहाजे स्वल्प परिवहन खर्च कौन कला ना इंग्लैंड को शिल्प उन्नति सहर मान जोगे सेठार उन्नत कलकारखाना मानक पूर्णांग सामग्री रे परिणत करी भारतीय बाजार चढ़ादार बिक्री कला तेणु से पहुँचेदेला कौटी जहाँ शिल्प उन्नत सहर मानक पहुँचेदेला कंचामाल सेठी शिल्प सामग्री सब बोही नहीं कि भारत रे बिक्री करतला माने लाभ ही लाभ कौटू ना कंचामाल रे कम दाम रे लाभ तापर जलजहाज स्वल्प परिवहन रे लाभ तापर से शिल्प रे व्यवहार कला से जो पूर्णांग सामग्री नहीं कि भारत बिक्रय कर भारतीय बजार चढ़ादर बिक्रय करवा से लाभ खाली लाभ ही लाभ तापर द्वितीय कौन ना भारत में इंग्रेज शासन व्यय बहुल खर्चर अधिकांश भाग स्थानीय भारतीय तहबिल रु भरणा करवा तेणु इंग्रेज शासन में जिते भी व्यय होता सबकि भारतीय मानक ट्रेजेरी बहन करुला इंग्रेज मैंने तृतीयत ईस्ट इंडिया कंपनी धार कर अजस्र जिते भी धार कर अजस्र मानने सुध दौला कि मूल दौला ता बाबद को मध्य भारतीय मानक कौन ना भारतवासी भरणा करुला भारतवासी टिकस कलेक्शन करुला तापर देखा आउ कौन ना चतुर्थ निजर सुविधापाई निजर सुविधापाई भारत रे सुविधापाई जो प्रतिरक्षा बा पुलिस बाहिनी बा गमनागमन सुविधा विशुद्ध अमलातंत्र अमलातंत्र बोले कौन शासन करने जो अफिसर मैंने थे तेणु कमलातंत्र और वाणिज्य आदि क्षेत्र में जिते भी खर्च होता जहाँ भी खर्च होता से इंग्रेज मैंने तेणु खर्च होता सबुगुड़िक भरपाई कौटू ना भारतीय मानू कराला भारतीय मान कर खजड़ा लोड करके शोषण करलेक्शन कर पंचमत कौन ना कंपानी अंशधन व्यक्ति कंपानी रे चाकरी करथिबा व्यक्ति कंपानी रे जोड़ीथिबा व्यक्ति जो मैंने भारत रे थिले से कंपानी जमीति की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किंबा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रे जो मैंने थिले जे जहाँ भी खर्च होता भारत रु इंग्लैंड फेरी जाइथिबा प्रशासनिक मानको न्यायिक और सामरिक अधिकारी मानकर दरमा संचय पेंशन सबुगुड़िक भारतीय मानक देवाक पड़ूला भारतीय मानकू कलेक्शन करुले आदाय करुले देखिए वित्त निष्कासन आर्थिक प्रभाव यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे आर्थिक प्रभाव कौन है आर्थिक प्रभाव कौन है प्रथम देख जातीय
जातीयतावादी नेता मानकर स्वर उत्तोलन ए जो प्रभाव थिला वित्त निष्कासनर जातीयतावादी नेता माने स्वर उत्तोलन कले स्वर उत्तोलन करिकि आर्थिक प्रभाव केमती पड़ला बोली कहले जेमती के दादा भाई नारोजी तुम्हें फोटो देखि पार्छ दादा भाई नारोजी या उपर एक पुस्तक लिखिथिले एटा एक मार्किया प्रश्न आसे दारिद्र ओ भारत रे अण ब्रिटिश शासन बा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेटा गोटे बही लिखिकि लोक मानको दर्शाइथिले केमती वित्त निष्कासन होउछि रमेश चंद्र दत्त ए रमेश चंद्र दत्त दुईटी भागरे भारतर अर्थनैतिक इतिहास को लिखिथिले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखिथिले रचना करी लोक मानको ब्रिटिश वित्त निष्कासन और आर्थिक शोषण संबंध में सचेतन कराई दीथिले। तापर देखो गोपाल कृष्ण गोखले जे कि राजकीय आईन प्रणयन परिषद रे या उपर आलोचना करथिले जो राजकीय आईन प्रणयन परिषद रे से समस्त स्थारे आलोचना करथिले ए जो वित्त निष्कासन उपर। तापर देखो निष्कासित अर्थ ब्रिटेन पूंजीवाद विकास कला तेणु यही जो निष्कासित अर्थ को ब्रिटिश माने से माने नहीं गले तांको देश को तेणु नहीं पूंजीवाद विकास कला कहार ब्रिटेन विकास कला भारत किसी नुहे अष्टादश शताब्दी ऊनविंश शताब्दी प्रारंभ काल जो ब्रिटेन शिल्पायन आरंभ होता यही समय पूंजी बहुत दरकार है गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर भारतीय पूंजी सब यही शिल्पर विनियोग ब्रिटेन दृढ़ शिल्पायन कृषि जांत्रिकरण संभव हो पार्ला केवल भारत पूंजी ताकू नहीं माने निवेश करते कौटी ब्रिटेन रे तेणु जे पूंजीवाद विकास कर ब्रिटेन रे भारतीय मान को उच्च पदवी रु वंचित तेणु ये कह रखे उच्च पदवी रु वंचित कर वंचित होते उच्च पदवी रे देले अधिक पैसा देवाक पड़ता तेणु उच्च पदवी रे कौ मैंने रही थे ब्रिटिश मैंने केवल रही थे तेणु ब्रिटेन आसीथिबा अधिकारी माने उच्च पदवी रे अधिष्ठित होते रही भारतीय मानू खूब कम दरमारे निम्न स्थान रे निजुक्ति देउतले जेमती क्लार्क किराणी चाकरी केवल दौले देखा पे मैंने भारत अर्थनीति रे स्थाणु अवस्था सृष्टि कला भारतीय अर्थनीति कौन स्थाणु होगला स्थिर होगला कौन से उन्नति है ना भारत अर्थनीति दादा भाई नारोजी वित्त निष्कासन को भारत दारिद्रतार मुख्य कारण बोली वर्णना कले तेणु दारिद्रतार मुख्य कारण कौन वित्त निष्कासन से कही ब्रिटेन भारत रक्त शोषण करी सेथा बा रक्तहीनता करदेगी तेणु रक्तहीनता रक्त शोषण बा अर्थनीति को शोषण करूला किए ना इंग्रेज माने। तापर देखिबा प्रभाव जनसचेतनता आउ स्वाधीनता संग्राम यह जो वित्त निष्कासन को यही जो नेता माने जो भारतीय नेता माने से माने लोक मान पाखे पहुँचे जनसचेतनता कले जातीय संग्राम बेले जातीय संग्राम बेले स्वाधीनता संग्रामी तथा जातीय कांग्रेस यही वित्त निष्कासन और ब्रिटिश राजत्वर शोषण नीति को लोकलोचन को आनी से सचेतन कराइला जे देख यही भाव में इंग्रेज माने आमको शोषण करमको कांगाल करमर अर्थनीति को शोषण करसन कर भारतीय अर्थनीति को खोल कर दे भाव कही जनसचेतना कले जहाँकि स्वाधीनता संग्राम बहुत साहय कर स्वाधीनता संग्राम हाँपाई लोक मैंने सचेतन होते ये आम रखुचु बहुत बहुत धन्यवाद यही वीडियो को देखिकी बारंबार शेयर कर पाला वीडियो देखिबो एवं वित्त निष्कासन भल भाव बुझिपार बहुत बहुत धन्यवाद।